झांसी जिले के स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, एम्बुलेंस एवं इलाज के लिए घंटों तड़पता रहा मरीज। दरअसल पूरा मामला झांसी जिले के कस्बा समतर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां मरीज के परिजन ने चिकित्सा प्रभारी एवं आपातकालीन सेवा एम्बुलेंस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मरीज को झांसी रेफर करने पर प्राइवेट वाहन का लेना पड़ा सहारा, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। वहीं वर्तमान सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, जिनकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समतर द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समतर में एक चिकित्सक एवं मशीनों के अभाव होने के कारण अधिकतर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। जिससे लोगों का सरकारी अस्पतालों से विश्वास उठता जा रहा है। हम गौरी के अपनी बहू के लोग आके आए ना, क्या हो गया है? उसको बीपी हाई है क्या लो है कोई पता नहीं है। डॉक्टर साहब जब बताए जो तो डॉक्टर साहब आई नहीं रहे देखें तो क्या बताएंगे, कह रहे थे वो तो हमने रेफर कर दिया, एक घंटे से रेफर कर दिया, तो फिर क्यों नहीं आई गाड़ी यहाँ पर? कोई कागज नहीं दिया गया है, कुछ नहीं, केवल कॉल लगाई से बोली अब गाड़ी खाली नहीं है यहाँ पर। हम तो जो चाहते हमको तो हिना से निकाल दीजिए, हम जाए झांसी पहुंचे जितने देखा वो करे हिना बीचा डरी डरी मर जाएगी और कुछ नहीं है इसके पास, तो डॉक्टर हिना तो रुपया आराम में खा रहा है। डॉक्टर झांसी की से आए हैं वो कहाँ और कहाँ से आती है? किस अस्पताल में आए? हम समदर अस्पताल में आए हैं, लगभग कितना समय हो गया? एक घंटा हो गया है, दो घंटा हो गया, दो घंटे और दूसरा घंटा लगवे पे आ गया।